नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO कट ऑफ को लेकर। तो यहाँ पर मैंने जो सर्वे किया है उसके अनुसार आपका जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर आपका नंबर इसके आसपास है तो यहाँ पर आप अपनी टाइपिंग शुरू कर दें, ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ पर जो टाइपिंग का स्टेज सेकेंड है उसमें टाइपिंग के लिए आपको कैसे क्या करना है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। यहाँ पर आप जो है मंडे पर्सनल एग्जाम लोअर PCS और इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO के लिए फ्री में कैसे तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं अन अकेडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, तो आप मुझे अन अकेडमी पर फॉलो कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए अन अकेडमी का लर्निंग ऐप और मेरा नाम अभिनव सिंह सर्च करें, वहाँ पर आप मुझे फॉलो करें। तो कैसे कैसे आपको यहाँ पर कोर्स मिलेगा और किस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं, आपको यहाँ पर PDF और वीडियो दोनों यहाँ पर आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो पूरे डिटेल में मैं आपको यहाँ पर बताने। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2019 के बारे में। तो क्या जा सकता है कट ऑफ उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा आप लोगों ने यहाँ पर कमेंट किया है और जो भी सर्वे है उसके अनुसार आपका यहाँ पर जो भी कट ऑफ जा सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर यहाँ पर हम बात करें जनरल के बारे में, तो जनरल का कट ऑफ यहाँ पर आपका जो है 135 नंबर जा सकता है और 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कम और ज़्यादा, यानी कि 5 नंबर आपके कम या ज़्यादा हो सकते हैं। OBC का आपका रहेगा 125 और यहाँ पर भी आपके जो है 5 नंबर कम और ज़्यादा हो सकते हैं। अगर हम SC की बात करें तो इसका रहेगा 120 के आसपास और 5 नंबर आपके प्लस और माइनस में हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ST के बारे में तो यहाँ पर क्या है कि प्लस 5 कम ज़्यादा आपका 110 के आसपास यहाँ पर ST का रहेगा। अगर यहाँ पर हम बात करें लड़कियों के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो कट ऑफ इसका रहेगा वो आपका जो है 120 के आसपास रहेगा और यहाँ पर आपके 8 नंबर कम या ज़्यादा हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये तो आपकी होगी कट ऑफ के बारे में, बाकी आपकी क्या राय है वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा अब टाइपिंग के बारे में यहाँ पर क्या है, तो टाइपिंग में यहाँ पर आपको क्या है कि 50 नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि टोटल यहाँ पर जो मैक्सिमम आपके नंबर है 50 रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और आपका जो टाइमिंग है यानी कि आपको 15 मिनट आपको यहाँ पर टाइम इसका मिलेगा, ठीक है, 15 मिनट आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा टाइपिंग के लिए। और आपको यहाँ पर क्या है कि 500 वर्ड यहाँ पर आपको टाइप करना होगा, ठीक है। टेक्स्ट इन इंग्लिश यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आपका है 500 वर्ड, यानी कि 500 वर्ड यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। 15 मिनट का यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा और उसका फॉर्मेट वगैरह भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें मिनिमम यानी कि सबसे कम नंबर, आप 17 नंबर अगर लाते हैं तो यहाँ पर आप पास कहलाएंगे। अगर आपको 17 नंबर मिलता है तो यहाँ पर आप पास हैं और कोई भी यहाँ पर आपका इंटरव्यू नहीं। अब यहाँ पर जो बात ध्यान देने वाली है, अगर यहाँ पर आपके नंबर कम हैं स्टेज वन में तब भी आप लोग यहाँ पर तैयारी कीजिए टाइपिंग के बारे में, क्योंकि प्रीवियस क्या हुआ था, पिछली बार 116 और 117 जिसका नंबर था उसने टाइपिंग में जो है बहुत अच्छा किया था। टाइपिंग में यहाँ पर पिछली बार लोगों ने 49.5 नंबर तक यहाँ पर गेन किए गए हैं, ठीक है। तो अगर आपने टाइपिंग में पिछली बार जो है 116-117 नंबर लोग लाए थे और वो जो है टाइपिंग में 49 नंबर 48 नंबर ला के उनका सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि टाइपिंग का यहाँ पर आपका बहुत बड़ा रोल रहेगा। अगर आपका यहाँ पर नंबर कम है आपके पेपर फर्स्ट में तो यहाँ पर आप टाइपिंग बहुत अच्छे से कीजिए। टाइपिंग में यहाँ पर आप 48-49, ठीक है, या 49.5-50 में लाने की पूरी कोशिश करें तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है का एकदम श्योर हो जाएगा, यानी बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका यहाँ पर रिटर्न में नंबर अच्छा है तो यहाँ पर आप टाइपिंग में भी अच्छा करें, ठीक है। अगर आप टाइपिंग में अच्छा नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे थे जिनका पिछली बार रिटर्न में नंबर अच्छा था लेकिन टाइपिंग उन्होंने अच्छी नहीं की, टाइपिंग में वो किल पास हुए, वो 18 नंबर या 19 नंबर उनको मिला तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और वो बाहर हो गए। कई सारे लोग ऐसे थे जिनका टाइपिंग में नंबर बहुत ज़्यादा था और उनका जो है आपका जो पेपर फर्स्ट हुआ था उस पर नंबर कम था लेकिन उनका वहाँ पर सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टाइपिंग में भी अच्छे नंबर लाने हैं तभी यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और अगर आपके नंबर यहाँ पर कम है तो टाइपिंग में अगर आप अच्छा करेंगे तो यहाँ पर श्योर है कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इन बातों का यहाँ पर आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो मेरी सबसे जो कट ऑफ की जाएगी जो जा सकती है उसके बारे में हमने यहाँ पर आपको बता दिया। बाकी यहाँ पर आप लोगों की जो भी राय है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में जहाँ पर हम बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न।